तेज के लालची पति ने 10 दिन में तोड़ी शादी, फिर बिना तलाक लिए कर लिया दूसरा ब्याह। शादी के बाद मिले धोखे के बाद दहेज के लालची पति द्वारा 7 जन्मों के रिश्ते को भुलाने और मायके भेजने पर विवाहिता ने की पुलिस में शिकायत। न्याय की गुहार लगा रही एक बेटी खा रही परिजनों के साथ दर दर की ठोकरें। लड़की का आरोप पुलिस भी नहीं कर रही, आरोपी के खिलाफ कार्यवाही। पीड़िता अम्बाला रेंज के पुलिस महानिरीक्षक से मिलकर करेगी लालची पति के खिलाफ कार्यवाही की मांग और मांगेगी न्याय। कहते हैं कि शादी एक पवित्र गठबंधन होता है, ये वो बंधन है जो दो परिवारों को एक करता है, लेकिन दहेज के लालची लोगों ने इस पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। मामला अम्बाला से सामने आया है, जहां लखविंदर कौर नाम की ये बेटी अपने टूटे हुए रिश्ते का मातम मना रही है और न्याय की गुहार के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। आपको बता दें कि लखविंदर कौर नामक इस पीड़िता की शादी लॉकडाउन के दौरान 29 मार्च 2020 को पंजोखरा निवासी हरविंदर सिंह से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके साथ मारपीट की जाती थी और दहेज के लिए परेशान किया जाता था। आरोप है कि शादी के महज 10 दिन बाद ही ससुराल पक्ष वाले उसे मायके छोड़ गए और लड़के ने बिना तलाक लिए ही 19 अप्रैल को दूसरी शादी भी कर ली। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस प्रशासन की ढीली कार्यवाही पर भी सवाल खड़े किए हैं। पीड़िता का आरोप है कि थाने में शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने अब तक मामले पर कोई संज्ञान ही नहीं लिया, लिहाजा पीड़िता लखविंदर कौर न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। मैरिज 29 मार्च 2020 को पंजोखरा साहिब हरविंदर जो मेरे वाइफ हस्बैंड थे उनके साथ हुई थी, जो पंजोखरा में है। सर मैं वहाँ कम से कम 10 दिन रही और 2 दिन मैं वहाँ ठीक रही। 2 दिन के बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। पहले वो बोलने लगे कि दहेज ले गया, अपने घर से गाड़ी लेकर आ। मैं फिर भी वहाँ अपने बाप पिता के लिए चुप रही और वहाँ ठीक रही कि मेरे डैडी को कुछ पता ना चले, क्योंकि वो पहले ही बीमार रहते हैं। इसलिए मैं वहाँ चुपचाप रही और उनकी मार खाती रही। वो 10 दिन के बाद वो मुझे खुद घर छोड़कर आए और मुझे घर बोल के गए कि अपनी लड़की को संभालो। मुझे फिर भी ये था कि वो 15 दिन के बाद मुझे लेने आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने 10 दिन के बाद वहाँ जाकर मैरिज कर ली और वो लड़का मुझे ये बोलता था कि तेरे जैसी मेरे पीछे हजारों घूमती है। अब उन्होंने थम्बड़ गांव है जो बराड़ा के पास है, वहाँ शादी की है। वहाँ मेरी बुआ जी हैं जिन्होंने हमें कॉल करके बताया कि उस लड़के की शादी यहाँ हुई है, और उन्होंने वहाँ भी मेरे बारे में गलत बोलकर शादी की कि वहाँ जब हम मैरिज के लिए गए तो वो लड़की वहाँ से भाग गई थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उसके साथ आनंद कार्ज लिए और गाँव शाहपुरा में से वो मुझे मैरिज करा के ले गए। नहीं, उनका तलाक नहीं हुआ, उन्होंने 10 दिन के बाद ही मैरिज कर ली, जबकि तलाक नहीं हुआ। इसके बाद मैं महिला थाना गई और मैंने वहाँ अपनी कार्रवाई, उन्हें बोला कि मुझे कार्रवाई की जाए। नहीं, मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। मैं एसपी डीएसपी के साथ को भी मिलकर आई हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो दोषी है वो आराम से घर में बैठे और मैं, मेरे पिता परेशान हो रहे हैं। लड़का अम्बाला कैंट सिविल में लगा हुआ है और वो वहीं पर काम करता है। हमारे को कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम एसपी पे गए, डीएसपी पे गए और आईजी के पास भी आ जाए, तो उन्होंने कहा आज यहाँ नहीं है, आप कल आना, हम आपको कल मुलाएंगे। हमारी एफआईआर दर्ज हुई है, हम जहाँ भी जाते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। हम परेशान हो चुके हैं। हमने सर अपनी लड़की की शादी की थी पंजोखरा साहब में सर, और उन्होंने मेरी लड़की को, मैंने मोटरसाइकिल दिया उनको, दहेज काफ़ी दिया सर। वो कहते मोटरसाइकिल नहीं चाहिए मेरे को, लड़की को बोलते कार चाहिए, और उसने मारपीट करके, मैंने बोला मैं लड़की को आप ले आऊँगा, तुम मत छोड़ना इसको। उन्होंने मारपीट करके सर 10 दिन के अंदर घर छोड़ दिया इसको, और इतना तंग किया लड़की ने कि बस इसने जो बताया सर मैं आपको बता नहीं सकता, जो उसने गलत सलूक किए बहुत जरूर। अब उसने सर मतलब बगैर तलाक के कोई दूसरी शादी कर ली है सर, वहाँ अपने थम्बड़ गाँव में। सर मेरी बहन है वहाँ, उसने बताया कि वो रात को लड़की को बराड़ा में लेकर आए, बराड़ा में उसके ताया रहता है, और रात को वहाँ से ला करके अगले दिन दिन में उसके नंद कार्य बराड़ा में कराई। मेरे यहाँ लड़की के नंद कार्य हुए सर शाहपुरा में, हमने सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, वहाँ से भी ला करके दिया हुआ है सर।